हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओला S1 Pro के ब्रेक पैड के बारे में। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है सोनराज और आप देख रहे हैं SKEV Tech। तो दोस्तों, मैंने ओला S1 Pro के ब्रेक पैड ऑनलाइन परचेज किए थे और बाहर जाके डलवाए थे। अगर आप सर्विस सेंटर पर ओला S1 Pro के ब्रेक पैड चेंज कराते हो, दोनों के लगभग 1500 रुपये देने पड़ते हैं। फ्रंट का 750 और रियर का भी 750 रुपये, जो कि ज़्यादा कॉस्टली है। इसीलिए मैंने बाहर से परचेज़ किए थे ऑनलाइन, और ये ब्रेक पैड एकदम बढ़िया ब्रेक पैड थे जो मैंने डलवाए थे। और मेरी गाड़ी भी मतलब और मेरा स्कूटर काफ़ी अच्छा चल रहा है, इतनी सी भी आवाज़ नहीं कर रहा। जब मेरा ये इससे पहले मैंने नहीं डलवाया था तो इसका आगे का व्हील जो ब्रेक पैड था काफ़ी आवाज़ कर रहा था, और जिस वजह से पूरा ब्रेक पैड घिस चुके थे और मेरी प्लेट भी शायद पतली हो चुकी थी घिस घिस के। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये अमेज़ोन पे आप ओला S1 Pro के ब्रेक पैड के बारे में सर्च करोगे तो उसमें भी सर्च होके आ जाएगा, और अगर आपको फ्लिपकार्ट से अगर लेना है तो ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो चलिए आपको बताता हूँ ये मैंने बाहर से कैसे डलवाए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो ब्रेक पैड पड़ते हैं ओला S1 Pro के आगे के और पीछे के, ये ऑनलाइन 299 रुपये के पड़ते हैं। अब इसके मार्केट में भी अवेलेबल हैं ब्रेक पैड। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो इसके ब्रेक पैड हैं काफ़ी की अच्छी क्वालिटी के हैं, मैंने देखे थे, जो कि सर्विस सेंटर वाले ओला S1 Pro वाले डालते हैं वो भी ऐसी ही क्वालिटी के डालते हैं, और जो मैंने दोनों को ब्रेक पैड देखे थे वो काफ़ी ठीक थे। अगर आप शोरूम पर जाके अपने ब्रेक पैड पड़वाते हो तो उसमें काफ़ी टाइम भी खर्च होता है। आप जाते हो, लाइन में लगते हो, और उसके बाद में आपको जॉब कार्ड मिलता है, फिर टाइम भी खर्च होना, पूरी छुट्टी वेस्ट होनी। इससे बढ़िया आप ऑनलाइन परचेस कीजिए और किसी भी मार्केट में जाके किसी भी लड़के से बोल के वो ब्रेक पैड डलवा लीजिए, जो कि काफ़ी ठीक रहता है। ज़्यादा 100 रुपये लेता है वो डलवाने के ब्रेक पैड के, और वो अच्छी तरह से डाल देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें दिक्कत रहती है, इसका सेंसर भी होता है और सेंसर भी काम नहीं करता। तो आप लोगों को बता दूँ, जो इसमें पुराने सेंसर लगे होते हैं और जो ब्रेक पैड के, तो वही सेंसर निकाल के मैंने अपने पुराने नए वाले ब्रेक पैड में डाल दिया था, जो कि मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसका सेंसर भी मैंने बकायदा उसका सेंसर निकलवाया, जो कि एक भाई निकाल रहा है, वो निकालने के बाद अपने नए वाले ब्रेक पैड में डलवाया, और उसके बाद में फिर मैंने ये ब्रेक पैड लगवाया। और जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये सेंसर नहीं लगेगा तो एक सिंबल आ जाता है, स्कूटर नहीं चलेगा, लेकिन ये सेंसर निकालने के बाद, उसके बाद डालने के बाद, और मेरा स्कूटर एकदम बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई और इतनी सी भी आवाज़ नहीं आई। बहुत अच्छे तरीके से इसका ब्रेक पैड डाले गए और इसका प्रॉपरली वो वर्क कर रहे हैं, और इतनी सी भी आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये भाई पहले सेंसर निकाल रहा है, और ये जो मेरे पहले के ब्रेक पैड थे जो पूरी तरह से घिस चुके थे, इसका ये भी पूरा घिस चुका था और ये भी मतलब पूरे ख़त्म थे ये वाले ब्रेक पैड, जिस वजह से आवाज़ की आवाज़ कर रही थी। और उसकी प्लेट भी थोड़ी बहुत घिस चुकी थी, जिसमें थोड़ी प्लेट थोड़ी पतली हो चुकी थी इसकी। अगर दोस्तों आप लोगों को ब्रेक पैड अपने चेंज कराने हैं तो ऑनलाइन पे जाके भी परचेस कर सकते हैं, और ये मार्केट में भी अवेलेबल है। जो आप लोगों को बता दूं, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो दुर्गापुरी की रेड लाइट से लेफ्ट हैंड साइड में एक दो चार दुकान छोड़ने के बाद एक दुकान पड़ती है, जो कि मैं आपको दिखा दूँगा इसमें, और उस पर जाके आप वहाँ थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, करीबन 200-250 रुपये के मिलते हैं, और ऑनलाइन लेते हैं तो 299 रुपये के पड़ते हैं। और आप किसी भी मार्केट पर जाके किसी भी रिपेयर वाले से आप 100 रुपये में डलवा सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, मैंने जहाँ से डलवाए थे वो मैंने नंद नगरी में डलवाए थे। आप लोगों को पता हो शायद दिल्ली NCR में पड़ता है, मडोली चुंगी अशोक नगर मार्केट, बाइक मार्केट में, वहाँ जाके मैंने इस पर डलवाए थे। आप अगर फ्लाईओवर उतरोगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ही ये मार्केट फेल हुई है, और ये आप दुर्गापुर में भी जाकर डलवा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेरी लोकेशन से थोड़ा दूर पड़ता है। दोस्तों, इस दुकान का नाम दुर्गा ऑटो स्पेयर पार्ट्स के नाम से ये दुकान थी, जहाँ से मैंने ये ब्रेक पैड चेंज करवाए थे, लिए थे मैंने ऑनलाइन थे, और मैंने चेंज वहाँ से कराया। और आप अगर अपनी लोकेशन पर रहते हो तो आप किसी भी रिपेयर शॉप पर जाके बाइक वाले से जाके आप चेंज करा सकते हैं। अगर आपको खुद से ही ब्रेक पैड डालने हैं तो आप घर पे भी डाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें काम नहीं करना पड़ता, खाली ब्रेक पैड की एलंकी खोलनी पड़ती है और एलंकी से ही इसके पहिए खोलने होते हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होती खोलने में। आप घर पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डबल स्टैंड होना ज़रूरी है,
मैंने तो यहाँ पर ये एक स्टूल का उपयोग किया था और जिसकी वजह से ये ब्रेक पैड चेंज करवाए थे। इस ब्रेक पैड को डलवाने के बाद मैंने अपनी स्कूटर चला के भी देखी थी कि उसमें कोई ये ब्रेक पैड डालने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, बट इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से ब्रेक पैड काम कर रहे हैं, सब कुछ प्यार से लग रहा है और इतनी सी भी कोई दिक्कत नहीं आई। सेंसर भी इसका सही काम कर रहा है जैसा होता है दूसरे, अगर आप सर्विस सेंटर से डलवाते हो तो जैसा उसमें होता है वैसा ही सेम इसमें था। तो चलिए दोस्तों, ये थी वीडियो ओला S1 प्रो के ब्रेक पैड की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा अपने भाई को। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।